सीजीएल ने टारगेट नहीं। तो टीम बता दो ना फिर अपनी आरएनटी की नई वाली। हाँ नई जो बना दी, जो बंदे घर बैठ छोड़ के आए हो उनको, उनके बारे में थोड़ा बताओ। गाइस नई लाइनअप है, अंडरडॉग्स हैं। और नाम बताओ, मैं बताऊँ? नहीं नहीं नाम बता भी, नाम मत बता भी। अंडरडॉग्स है, अच्छे प्लेयर है बहुत ज़्यादा। और देखते हैं अभी अलग अलग टीम से चोरी करें। हाँ अलग अलग टीम से चोरी करें। भाई ब्लेज का क्या सीन? भाई ब्लेज ने कल, आप देखो मैंने सारे प्लेयर ने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है, अभी सुबह फियर्स ने भी दिया है, आप सबको पढ़ो ठीक है। जो जो हाँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मैं तो ये ना पढ़ा, उन्होंने बोला क्या है? देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, साइलेंस इज ग्रेस, कुछ नहीं बोलूँगा। और जो भी सबने बोला, मैं बोल ये नहीं बोला किसने गलत बोला, सब ने अपना अपना पीओवी दिया, सब ने सच ही बोला है, किसी ने कुछ ऐसे नहीं बोला कि बना चढ़ा के या फिर ऐसे भड़काने के लिए, सब ने लेजिट ही बोला है। और बाकी सबका ही म्यूचुअल डिसीजन था कि यार अब साथ में कंटिन्यू नहीं करते हैं, और मुझे लगता है वही बेस्ट है। देखो कभी ना कभी आपको साथ से मतलब निकलना पड़ता है ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, और हमने वही करा है। आरएनटी फियर्स की वजह से क्वालिफाइड नहीं हुई क्योंकि वो ब्लेज को बेंच करवा के खुद कुछ उखाड़ नहीं पाया। देखो गाइस मैं बताऊँ क्या, तुम्हारे पास हज़ार चीज़ें हैं भसड़ करने के लिए, जब इतना बेकार सब कुछ क्यों देख रहे हो भाई? अच्छी चीज़ें देखो कि जी अच्छा खेली है ना, ये सब अच्छी चीज़ें देखो, ये फालतू में मतलब देख रहे हो। जो भी हो गया हो गया, अब अरे ज़्यादा दिन ना टिकता ये सब ड्रामा, दो हाँ, दिन चलता है, ये दो तीन दिन चलता है, एक महीने चलता है, उसके बाद सब बोल जाएंगे गिले शिकवे, और ये फिर आपस में फिर आगे सब बढ़ना ही है, सबको आगे काम करना है, कम्युनिटी में टिकना है तो आगे तक चलते रहना, उसके बाद फिर ड्रीम टीम 2.0 वापस बन जाएगी। Five million, let's go! BGIS winners, let's go! भाई ट्रॉफी उठाए कैसा लग रहा है भाई? हैशटैग 2 तेरा टूट गया, सारे क्रश टूटे आज लाइन से। सबसे बढ़िया तो मेरे को लगा कि चलो भाई घर वाले आए थे और उनके सामने ट्रॉफी उठा लिया भाई। है ना कल बोला था ना कि ऐसा वो करेंगे, तेरी मम्मी बोली भाई ये कुछ तो किया है जिंदगी में। स्लग के लिए खराब लगा, यस भाई बहुत खराब लगा, वो भी डिजर्विंग थे। लाइफ इज अनफेयर ब्रो, है ना, एक ही टीम जीत सकती है। अच्छा वो तो भाई लास्ट ईयर हम थे उसकी जगह पर, कोई ना अच्छा प्लेयर कर लेगा। मेजी का भी कष्ट तोड़ दिया भाई आज, मेजी ने लेकिन सपोर्ट करा है हमें इस बार दिल से। सीजी टारगेट नहीं, वो लोग उधर से ही गाड़ी लेके जाते हैं, फार्म तो हम खुदे ही नहीं पूरे टूर्नामेंट, किस किसको ही एक्सपेक्ट होता। और हम वैसे तो सच बताओ तो हम लोग फाइट ही ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई फाइट तो हम लेने ही वाले थे, हमें किल्स चाहिए थे, क्योंकि भाई अगर पूरा टाइम तुम 15-20 मिनट खेलो किल्स ना मिले और पोजीशन भी बाई चांस नहीं आई फिर तो भाई क्या ही है, जीजी है ना। इसलिए हम लोग हर मैच में वही अप्रोच रख रहे थे, किल्स निकालते हैं। सीजीएल ने टारगेट नहीं किया था यार, टारगेट नहीं किया था मतलब हम सोचे थे कि फार्म पे कोई नहीं आएगा, पर उनका फ्लाइट बाद नहीं था तो इस वजह से हमें वहाँ आना पड़ा। व्हाट अबाउट सोल? सोल ऑब्वियसली भाई ऐसी टीम है कि मतलब उनसे 40 पॉइंट का लीड था तब भी मतलब ऐसा था कि भाई हाँ ये कमबैक कर सकते हैं। उन लोगों ने आज थोड़ा सा चोक किया बट